for Fahad Vlog. Yay! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज है जी सुबह का टाइम, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30 बजे का, हो रहा है आज मंगल। तो इसके साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दो, डॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब है यूट्यूब चैनल, बेल आइकन। तो अभी हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, तो आइए अपना सुबह का नाश्ता करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे नाश्ते में क्या है। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था और आज मेरे एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, और लेकिन आज वाला जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं सुबह से कर रहा हूँ, ताकि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, मैंने 30-35 मिनट का एक एपिसोड टाइम कोशिश करूँगा कि आज अपलोड कर दूँ। कोशिश तो मेरी यही है आज, लेकिन कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। तो आइए फिर, अभी प्रोजेक्ट करना है इसलिए नाश्ता भी ज़रूरी है, तो आइए फिर सुबह का नाश्ता करते हैं। मेरे जी पराठा और आलू पालक, तो ये पानी चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाश्ता करते हैं। अभी टाइम हो रहा है रात का, और हमें आज इस बारे में बात करने लगूँ कि आज हमें नोटिफिकेशन आया था, अभी टाइम तकरीबन 10 बजने वाले, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो क्या कहते हैं, आज हमें स्कूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि छुट्टियों का, और पहले तो मैंने आपको बताया था कि छुट्टियों का जो था कि 3 जनवरी से छुट्टियाँ 3 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, और उसके बाद तकरीबन किस तारीख तक 15 जनवरी तक, 3 से 15 जनवरी तक छुट्टियाँ हो रही हैं। लेकिन अब जो है वो नोटिफिकेशन चेंज हो गया है स्कूल पे हमारा, एक मैं आपको स्क्रीन शॉट लेके भेज दूँ, साथ लगा दूँगा इसके, कि हमारी छुट्टियाँ हो रही हैं जी, आज है 21 दिसंबर और परसों है, मतलब कल आखिरी दिन है, और 23 से छुट्टियाँ हो रही हैं। तो हमें 23 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक छुट्टी हो रही है। 7 जनवरी मन है जुमे रात को, और उसके बाद जुमे को स्कूल लगे या ना लगे, बच्चे आए ना लगे, मतलब नेक्स्ट, मतलब जो हमारी अब क्लासेस हैं वो 10 जनवरी से शुरू होगी मंडे से। ये जो मंडे आएगा ये नहीं, ये जो मंडे आएगा ये कब आ रहा है, आज ट्यूसडे है ना, तो ये जो मंडे आ रहा है अभी किस तारीख को बन रहा है, किस तारीख को, 27 को, उसके बाद पूरा एक वीक है, 27 वाला वो वीक है, और उसके साथ छुट्टियाँ हफ्ते इतवार की मिला के, फिर उसके बाद जो मंडे आएगा वो आएगा 3 जनवरी को, और वो पूरा एक वीक है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं 10 जनवरी को, मतलब अभी 2 वीक्स की हमें छुट्टियाँ होंगी, 2 हफ्तों की वेकेशंस। तो अब जो स्कूल लगेंगे, हमने जाना है 10 जनवरी से, 7 जनवरी मतलब उससे अगले दिन तो जुम्मे वाले छुट्टी होगी, उसके बाद 10 तारीख से हम स्कूल जाएँ। तो अब जो हमने अब स्कूल जाना है 10 जनवरी से, मतलब न्यू ईयर से स्कूल जाएंगे। तो आज तो 21 दिसंबर, मतलब तकरीबन 21 छुट्टियाँ हैं, मतलब 19, आज 21 है ना, हाँ 19 छुट्टियाँ हैं हमें, 18-19 छुट्टियाँ हैं। तो अब हम जाएंगे 10 जनवरी से स्कूल, और फिर जो पढ़ाई होगी वो वगैरह पढ़ाई आगे शुरू होगी। और दूसरी बात ये कि आज बाज़ार गया था, आपको बताया था, नहीं बताया था मेरे ख्याल से, तो मार्केट गए थे, तो बाइक लेके गया था, तो बाइक का जो सिलेंसर, जो आप लोग पता है मैंने इसके ऊपर 1.5 का सिलेंसर लगवाया है, तो वो थोड़ा बहुत मस्ती कर रहा है कि ख़राब कर रहा है, मतलब आगे से ना वो सही उसकी फिटिंग नहीं बैठी, इसलिए वो बस थोड़ा बहुत उसके अंदर से पता नहीं धुआं वगैरह इस तरह वाला, तो मैं सिलेंसर चेंज करने लगूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में सिलेंसर हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि मैं इसका जो ओरिजिनल सिलेंसर है, इसके हीरो का ओरिजिनल सिलेंसर जो पड़ा 70cc का, वो मेरे पास मौजूद है। पहले मेरा इरादा था सेल कर दूँ, लेकिन मैंने वो सेल नहीं किया, वो मैंने ओरिजिनल सिलेंसर रखा हुआ है। तो ये वाला जो सिलेंसर है इसको फिर हम कल जाके दुकान से रिमूव करवा लेंगे, और इसके ऊपर 70 का ओरिजिनल जो सिलेंसर पड़ा है वो लगा देंगे, और इसको मैं सेल आउट कर दूंगा, सेल कर दूंगा इसको। और जो इसका मीटर है, मीटर पे भी हम चेंजिंग करेंगे, मतलब अब इसको हम 125 से डायरेक्ट CD70 की तरफ लेके जाएंगे,
तो इसके टैंक की टपे भी थोड़े बहुत ख़राब हो गए हैं, मतलब काफ़ी सारी चेंजिंग होने वाली है। इसकी पूरी एक रिस्टोरेशन की वीडियो बनने वाली है, सीरीज़ आने वाली है, तो इस पर काफ़ी सारा काम है बाइक के ऊपर, तो वो हम चेंजिंग करने लगे हैं। तो देखो काम करते हैं, लेकिन सलेंसर तो पहला एक काम है बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो मैं कल ही जाके इसका सलेंसर चेंज करवाता हूँ, और इसका जो मीटर है वो भी चेंज कराते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे बाद में। मीटर जो है मेरे पास एक 70 का पड़ा है, मीटर किधर गया, अभी किधर गया, रुको यार। इधर ही मैंने कहीं रखा था लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे पास वो मीटर पड़ा है 70 का, वो जो मीटर है वो हम लगा देंगे और ये वाला मीटर उतार के चेंज कर देंगे। उसकी जो बॉडी है ना, तो वो बॉडी चेंज होने वाली है, वो बॉडी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। तो गाइस मीटर मिल गया, अब आपको दिखाते हैं, ये मीटर है तो उसको मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो जी गाइस ये है मीटर, ये आप चेक करो, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको जैसे कि पता है कुछ, मैं आपको बताता हूँ। किधर गई वीडियो, वीडियो 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 किधर गई, अबे किधर गई मेरी वीडियो, ये वाली वीडियो, इसमें आप चेक कर रहे हो कि मेरे पास 70 का मीटर है इन दो वीडियोस में, ये वाली, ठीक है। तो ये वाला मीटर था, इस मीटर में हमने क्या कर दिया जी, ये मीटर तो है 70 का, इसके ऊपर होल्डू लिखा हुआ है, ओरिजिनल मीटर नहीं है, इसकी जो सुई वगैरह सब चलती है, लाइट्स वगैरह सब चलती है, और ये केजेस भी सब काम करती हैं। इसकी जो बॉडी है वो हम चेंज करेंगे, क्योंकि बॉडी पे आप देख रहे हो यहाँ से स्क्रीन पे स्क्रैचेज है कुछ, और दूसरा बात यहाँ पे इसकी बॉडी पे क्रैक है ये इतना बड़ा, ये देखो ये पूरा एक क्रैक है इसकी बॉडी पे, ठीक है, ये एक छोटा बहुत क्रैक है इसकी बॉडी पे, बाकी इसकी बॉडी ठीक है एकदम, और कोई मसला नहीं है। क्या पता मैं बॉडी ना ही चेंज कराऊँ, क्योंकि बॉडी इसकी एकदम सही है, इतना कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ज़रा से यहाँ से टूटा हुआ है, लेकिन अगर ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है तो हो सकता है मैं इसको चेंज बॉडी को करवा के इस पर दूसरी बॉडी इंस्टॉल कर लें, हो सकता है मे बी शायद, वो आपको कल ही पता चलेगा। और सलेंसर है वो स्टोर में पड़ा है, वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। ये था मीटर जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला, तो इसकी हो सकता है इसकी बॉडी चेंज होने वाली, क्योंकि बॉडी पे क्रैक वगैरह है, तो हो सकता है हम बॉडी चेंज करें। और दूसरा क्या कहते हैं, और सलेंसर वो बिल्कुल ओरिजिनल पड़ा है, वो हम लगवाएं। ये बॉडी थोड़ा सा ही क्रैक, इतना ज़्यादा नहीं है, चल चल जाएगा, या क्या पता चेंज कर ले, कोई पता नहीं, माइंड का कोई पता नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा जब इसकी फिटिंग हो गई ना बाइक के ऊपर, तो ये सलेंस ये मीटर की बॉडी जो हमारी है वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि फिर मीटर पूरा खोल के फिर बॉडी चेंज होगी, क्योंकि अभी ये उतरा हुआ है, इसकी बॉडी चेंज हो सकती है। तो देख लेते हैं, कोई नहीं, मेरे ख्याल से इतना चलेगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वैसे ही मीटर कवर चढ़ाना है, चल जाएगा, कोई नहीं, बॉडी नहीं हम चेंज कर रहे इसकी, क्योंकि 400 रुपये का मैंने मीटर लिया था कुछ से आज से 6-7 महीने पहले, तो दूसरा क्या कहते हैं, 6-7 महीने पहले मैंने ये मीटर लिया था, तो 400 रुपये का ही मीटर था, तो अब इसमें बॉडी लगाऊंगा, बॉडी 250-300 रुपये की तो आ जाएगी, तो मुझे कौन अकलमंद कहता है 250-300, 400 के मीटर पर 250 रुपये की बैटरी, 250 रुपये की बॉडी लगवा लूँ, तो फ़ायदा क्या मुझे, 600-700 रुपये मीटर ना पड़ जाए मुझे ये, तो इससे अच्छा मैं 100-200 डाल के और मीटर ना ले लूँ। तो इसलिए बॉडी बिल्कुल यही सही है, इसके ऊपर मीटर कवर हो, 50 रुपये का एक कवर होता है, वो भी मेरे पास पड़ा ही है, वो भी आपके भाई के पास पड़ा है, तो वही मीटर कवर इसके ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा होशियार बनते हैं भाई, मीटर कवर वही वाला इसके ऊपर लगा लेंगे, ज़्यादा अभी ऊपर हम फालतू के पैसे नहीं लगाएंगे सुपर, तो वही मीटर कवर लगा के इस पर लगा लेंगे, और बाकी जो 125 का मीटर है और सलेंसर उसको हम सेल कर देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में देखा जाएगा, और मेरे ख्याल से आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब, आप लोगों को ब्लॉग थोड़े से बोरिंग लग रहे हैं लेकिन अब ब्लॉग अच्छे बनेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता यार, थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिलता, टाइम क्यों नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम वक्त होता ही नहीं मेरे पास, मैं कुछ सोचता ये हूँ
अब रात को बहुत कुछ सोचूंगा कि व्लॉग बनाऊंगा या मॉरल वीडियो बनाऊंगा या कुछ और काम करूंगा, मतलब व्लॉग्स के अलावा घर का कोई काम है, कोई और चीज़ पे उस काम करना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। मतलब ज़्यादा टाइम सोने में गुजर जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ना नींद आई होती है, उठता देर से उठ, वैसे तो मैं जल्दी उठ रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत चेंज होना है क्योंकि हम नेक्स्ट न्यू ईयर भी आ रहे हैं 9 दिनों बाद, तो करेंगे चेंज। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।